खबर मैनपुरी से। मैनपुरी के पक्षी विहार का होगा जीर्णोद्वार। योगी सरकार ने इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने की कवायद शुरू। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर किया निरीक्षण। जनपद मैनपुरी के सबसे बड़े आकार वाली झील जो विधानसभा के शनि क्षेत्र के कस्बा सामान में स्थित है, जिसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1990 में इसका 70 लाख रुपया स्वीकृत कराकर जीर्णोद्वार करते राष्ट्रीय पक्षी सारस की सरल स्थली बनाने का काम किया था, जिसको पक्षी विहार सामान का खिताब भी दिया था, जो इस समय अपनी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। काफी समय बीत जाने के बाद भी मैनपुरी स्थित पक्षी विहार सामान को सारस की शरण स्थली पर्यटन विभाग द्वारा बनाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपया स्वीकृत भी कर दिया है, जिसके चलते आज जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर 526 हेक्टेयर फैली झील का जायजा लिया। इस झील में फंसी 150 हेक्टेयर किसानों की जमीन, जिन्हें अभी तक 28 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका है, उन किसानों से जिलाधिकारी ने बात भी की। जिलाधिकारी से किसानों का साफ कहना है कि उन्हें अब 4 गुना मुआवजा चाहिए, तभी झील पर कार्य संभव है। मीडिया को अवगत कराते हुए कहा, किसानों ने बताया 2016 में किसानों के लिए 237 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में स्वीकृत किया था, वह भी अभी तक नहीं मिला है। तो वहीं झील के जीर्णोद्वार को लेकर जिलाधिकारी क्या कहते हुए नजर आए, देखें इस रिपोर्ट में। दिखाई दे रही है कोई चिड़िया सर? दिखाई दे रही है, लेकिन एक ही प्रकार सामान में आए हैं। इन्फेक्शन क्या है पक्षी विहार में? देखिए, यहाँ पर सामान में पक्षी विहार के लिए बहुत पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से और किसानों के द्वारा जो है इसमें जमीन के अधिग्रहण में सहयोग न किए जाने के कारण और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में वादों के विचाराधीन होने के कारण ये अभी यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई थी पूर्ण नहीं हुई जी, जिसके कारण समान पक्षी विहार का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। वो लैंड जो फॉरेस्ट के पास थी, वन विभाग के पास, उसमें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्क बना हुआ है, और कुछ जो वेटलैंड है उस पर भी साइबेरियन पंक्षियाँ आती हैं सीजन में, लेकिन जो एक परिकल्पना थी समान पंक्षी विहार की, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो वह हम लोग विजिट करने इसीलिए आए थे कि आज मौके पर इसको देखेंगे, और पहले भी हम लोग प्रयास करते रहे हैं, यहाँ के स्थानीय किसानों से वार्ता भी की गई है, और जो अभिलेखीय स्थिति थी उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। चूँकि लैंड एक्विजिशन का जो ऑफिस था वो आगरा में था, और वहाँ से भी कई रिकॉर्ड की ज़रूरत थी, तो हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एक सिस्टमेटिक तरीके से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई जो रुकी पड़ी थी उसको आगे बढ़ा सकें। जी सर, ऐसे में जो विदेशी पक्षी आते हैं, सर्दी का सीजन है, लोगों से आप क्या अपील करेंगे यहाँ के आने के लिए? नहीं, मैं निश्चित रूप से यही अपील करूँगा कि जो साइबेरियन पंक्षियाँ जो आती थी सीजन में मौसम में और यहाँ पर, और ये इसके अलावा जो हमारा मैनपुरी जनपद है ये सारस की जो के लिए भी मशहूर रहा है, यहाँ पर सारस की बहुत बड़ी संख्या अभी भी रहती है, तो वेटलैंड जो है उनको प्रोटेक्ट करें, जो पंक्षियों के रहने के अनुकूल जो वातावरण है उसको बनाने में सहयोग करें, ये मैं सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ये एक बहुत सुंदर स्थान मिल सके यहाँ पर लोगों के लिए और पंक्षियों के लिए भी एक अच्छा सेल्टर बन। सर, अगर जो बात, जितने जी कहाँ के रहने वाले हैं? सामान कटरा। अगर हम बात ये जो पक्षी सामान की बात करें तो यहाँ इसमें कितनी झील का मतलब क्षेत्रफल है? 523 हेक्टेयर टोटल है। तो इसमें जो ना किसानों की जमीन कितनी पड़ी हुई है? किसानों की लगभग 150 हेक्टेयर जमीन है जी। तो क्या मुआवजा मिला है उसका? मुआवजा अभी तक सर कुछ नहीं मिला है, 28 साल हो गई है हम लोगों को परेशान होते हुए, एक भी पैसा नहीं मिला। और 2016 में कर्म अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने 237 करोड़ रुपया दिए बांटने के लिए जी। लेकिन यहाँ सब कर्म डीएम साहब आए थे, आज बात सुनी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम लोगों को संतुष्टि होती। अच्छा, क्या आपने मुआवजे को लेकर आपने कोई कोर्ट में भी शरण ली थी? हाँ, कोर्ट में है सर, चल रहा है। आज जब जिलाधिकारी ने आपसे वार्तालाप की है,
तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि लिख के भेजेंगे, ऊपर देखेंगे आपका, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ये। मेरे मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है ये। अगर मैंने महोदय जी से कहा कि महोदय 1997 में जब मेरा अधिग्रहण हुआ था उस समय मुझे अगर उसी रेट से पैसा दे दिया जाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। आज पैसा दे दिया जा रहा है तो नए एक्ट से देना चाहिए कि पुराने? मैंने कहा नए एक्ट से चाहिए। ये पुराने एक्ट से देना चाह रहे हैं। पुराने एक्ट से 62,000 रुपया भर रहा बीघा और नए एक्ट से भर रहा मेरा 11,50,000 रुपया बीघा। तो हमने कह दिया महोदय जी हम वही अपना नया रेट चल रहा उसी से लेंगे, मैं स्वीकार नहीं होगा ये नया रेट। उन्होंने कहा काम लगाए महोदय लगाइए काम, कोई दिक्कत नहीं, बड़ सेंचुरी का विकास हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि पुराना रेट से 60,000 रुपया कौन लेना पसंद करेगा? एक बीघा में 10 बीस जमीन नहीं आ रही है 60,000 रुपये में।